हम हो रहे हैं तैयार। और तैयार का तुम लोगों को पूरा ब्लॉग बना के बताएं कैसे तैयार करो जाते हैं, या दूसरी लड़की को या पार्टी आर्टी में आप लोग जाती हो तो तैयार कैसे हो जा, जो आप लोगों को पूरा ब्लॉग दिखाएं, लहंगा कैसे पहने जाते हैं, किस चीज़ में कौन सी चीज़ लगाई जाती है, ऐसा कैसे सलाह आप लोगों को बनी रही है वीडियो की। तो देखिए अभी तो हमने ऑलरेडी क्रीम हम लगा चुके हैं पहले भी, तो हमने अभी क्या लगाया जी, लगा चुके हैं क्रीम, इसकी फाउंडेशन है जी, वो है जी झुका होता है फाउंडेशन जी होता है फेस पाउडर, तो इसके हमने फूद फूद के आदो करता जाके, तो ठीक है तो ऐसे नहीं फूदा हम रोज, ठीक है हम कम कबार जैसा कम पार्टी आर्टी दिखाए तो मन हो तो लगा लेंगे, रोज तैयार नहीं होते। आज आप लोगों के लिए बता रहे हैं, तो देखो अभी हमने क्या कर लिया, फाउंडेशन लगा चुके हैं, क्रीम लगा ली हमने चेहरा पे, ज़्यादा क्रीम हम नहीं लगाते इसलिए कि चेहरा भी ख़राब हो जाता है। और क्या है हम आप तो देखो हमने क्या लगा लिया है मस्करा, और लग गया है पलक को आप थोड़ी देर सुखाएंगे, इसलिए सुखाने के बाद पलक खोलेंगे, तो अब काजल लगाएंगे। काजल हम अपने घर का ही काजल लगाते हैं, बाजार वाला काजल तो नुकसान करता है, आंखें जी पता है जो दोबारा नहीं आएंगी, मैन है तो चैन है, इसलिए लेनो में कुछ और न लगाएं, पर ना दिल बेचैन है। नैन है तो चैन है, वरना दिल बेचैन है, सही बताया। तो हम अपने घर का ही काजल लगाते हैं, तेरी आँखों का ये काजल देखो तो हमारा लग गया है काजल, तो हम आउटलाइन भी पहले से भी कर लिए थे, थोड़ा सा और दिखा दें आउटलाइन आप लोगों को पूरा नहीं लगाना है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर लगाना है, जहाँ ना हो वहाँ पर लगाना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं खोल रहे ऐसी एक बार पेंसिल फेरी और पूरी धार पार निकाल रही, और ऐसी नहीं लगाना है आउटलाइन, वैसे लगा धार जापार के धार वापस, तो आपकी जो ये थ्रेडिंग है ना वो एकदम ऐसी लगेगी जैसे बनावटी बाजार वाली हो, इसलिए आपको जहाँ जहाँ ना हो आईब्रोज में जहाँ जहाँ बाल ना हो वहाँ वहाँ लगाना है, पूरे में नहीं लगाना है, ठीक है। तो अभी हम देखो ये देख पहनेंगे आप लोगों को कैसे लग रहे थे, हम रख लिए सब जोड़ जोड़ के पहना है, और देखो जी ये वाले हैं जी अच्छे लग रहे हैं, और ये वाले हैं और भी रखे हैं, तो हमने अभी दूसरा डिब्बा खाया नहीं है, तब हम आप लोगों को जो ब्रश बताएंगे, ये जो पलक सेट करने वाला है जिसने पलक सेट कर ली तो वो समझ लो कि बाकी का मेकअप तो हो ही जाएगा, तो हम पलक सेट करने वाला लगा रहे हैं आप लोगों को, आज हमें सुपर वीडियो बना के बता दें, पलक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पलक सेट करना, जैसे कि आप लोग अधिकतर रेड कलर और गुलाबी रंग का होना चाहिए, वो अपने मतलब फेस के अकॉर्डिंग करो जैसे आपके फेस में सूट करें, जैसे कल हमें तो एकदम गुलाबी और रेड कलर बहुत पसंद है बात है, तो देख सकते हो आप लोग भैया इस तरह से लग रही है, आज हमने सोचा कि आज सोमवार भी है तो सब लोगों को पहले तो हर हर महादेव, आज सावन का दूसरा वाला सोमवार है, इसकी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, ऐसे ही भोलेनाथ आप लोगों पर कृपा सदा बनाए रखे, हमारा मुँह भी चल रहा और ब्रश भी चल रहा, जो हमने सीख हुए थे जाओ।
देख सकते हो कि हमारी पलंग एकदम सेट हो गई है। तो कैसी लग रही है आप लोगों को? अभी हम दूसरी वाली भी आपको सेट करके देखें। तो बाल सेट रहे कैसे, एकदम सरल और एकदम सरल तरीका बताएंगे और डिजाइन भी बालों में हो जाएगी। कुछ नहीं करना, मात्र 10 रुपये की चीज़ है जो आपको खरीद के लगानी है बालों में। तो देखो आप लोगों ने, हमें सबसे अच्छी यही पसंद है, ना दुनिया के गोठा ना गोठी, यही मेरा तरीका। तो देखो ना, इसमें बाल बिछ सकते, कभी भी बाल नहीं बिनेंगे, चांस ही नहीं है भाई। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको हेयर वेयर लगाना ही नहीं आता है। तो जी मार्केट में कहीं भी किसी भी दुकान पर जाना, हेयर वेयर कहना देते हैं। बाल सेट हो गए हैं, तो देखो आप लोग देख सकते कि किस तरह से बाल सेट हुए, हम भी तो देख ले थोड़ी सी कैसे लग रहे हैं। डिजाइन भी हो गई है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। देखो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास जूड़ा नहीं है, जूड़ा नहीं है। तो आप लोगों ने कछु नहीं करना है, क्लेचर है हमारे पास, देखो क्लेचर है। तो क्लेचर से देखो कितना अच्छा जूड़ा बना है, आप लोग खुद बता सकते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करना, ब्लॉग पूरा देख के ही कमेंट करना कि हमारा जूड़ा कैसा बना है। तो इसी तरह के हेयर बांधने के लिए आप लोगों ने बाल बांधने का तरीका जो सही बताऊँ, बहुत सरल और एकदम सही तरीका है। तो मैं आगे आप लोगों को और बता रहे हैं, हम कह रहे हैं जी वाले कानन के बोल रहे हैं जी, किसको पसंद है जी कानन के, जरूर कमेंट करना, बहुत हमें बहुत पसंद है। और जी हमें किसी का गिफ्ट है ना, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तभी हम पहन के दिखा रहे हैं। भारी है थोड़ी सी, आपको भारी क्या है, अच्छे तो लगना चाहिए। तो हमें जी बहुत पसंद है, हम पसंदीदा होता है उसको हम बुरा और भला नहीं कहते, क्योंकि हमें जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो उस चीज़ को हम भाई छोड़ते नहीं है, चाहे फिर वो कानों में कुछ भी हो जाए, भारी है। तो देखो तो देख सकते हैं कि हमने पहन लिए हैं, तो कैसे लग रहे हैं हमारे कानों के, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, हर चीज़ कमेंट करना कि कैसे कैसे लग रहे हैं हमको। तो आप लोगों को पूरा तैयार होकर दिखाएंगे। इसी तरह का आप घर में हो जाना, पार्लर वालर के चक्कर में मत पड़ना, फालतू का पैसा वेस्ट करो ना। सब लोग घर पे ही जाते हैं तैयार लगा रहे हैं। तो कौन सी बिंदी लगाए आप लोग जरूर बताओ। हम लगा रहे हैं रेड कलर, क्योंकि हमारा लहंगा पहन रहा है आज, तो हमारा लहंगा है रेड कलर का, रेड कलर की भी चूड़ी पहनेंगे। आज हमारा व्रत है पर भगवान हमें, तो जब हम बिंदी लगा रहे हैं, किसी को यहाँ पर पसंद है, किसी को यहाँ पर पसंद है, तो वो अपनी बिंदी लगाने का तरीका खुद होना चाहिए। जैसे ही आप लगाती रहती हो वैसे ही लगाना। तो किसी को यहाँ पर पसंद है, हमें यहाँ पर पसंद नहीं है, हम बिंदी को ऊंचा लगाते हैं, क्योंकि बिंदी का जैसा लुक अच्छा लगता है ऊँचा, वैसे नीचे में अच्छा नहीं लगता, इसलिए। देखो जी हमारा लहंगा है, तो लहंगा का ब्लाउज जी हमने खुद सिला था, कैसा लग रहा था, कहीं पे बटन नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं, आप पहनेंगे कैसे आप लोग खुद बता सकते हो, जैसा भी नहीं लगेगा, जैसा भी नहीं है जी हमारा लहंगा है। तो अभी हम लहंगा पहन के इसको दिखाएंगे कैसा लग रहा था भाई, मेरा लहंगा लहंगा है लहंगा। तो हम इसको अभी पहन के ऑलरेडी आपको दिखा देंगे, क्योंकि बहुत सी लोगों की और बहुत सी औरतों की समस्या होती है कि हमें खुद से लहंगा पहनना नहीं आता है, हम कैसे पहनें। हमारे पास भी बहुत से कमेंट आए हैं कि दीदी आप लहंगा पहनती हो, आप खुद से लहंगा पहन लेती हो, पर हम उनको यही बताना चाहते हैं कि हम कभी किसी के यहाँ लहंगा पहनने नहीं जाते, ना किसी से पहनते हैं, हम खुद से ही लहंगा पहनते हैं। हम हो गए तैयार, मान होने के लिए रह गए, तो मान होगा इसके बाद क्या आपको दिखाएंगे। सबसे मेन चीज़ है लहंगा के पिन कैसे लगाते हैं, आपको पिन लगाना ही नहीं आता है, बहुत सी औरतें हैं तैयार तो हो जाती है, मेकअप खुद से कर लेती है, पर पिन लगाना ही भाई सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। फिर किसी का दूसरे का इंतज़ार करो कि आ जाओ बहन कोई हमारा पिन लगा दो, पिन लगा दो। शादियों में बहुत से लोग हैं जो बैठे हैं एक दूसरे में, लहंगा तो पहन लिया, अब जी दुपट्टा खाली डालेंगे। वो चूड़ी देखो हमारी चूड़ी है, वो सब पहले से हमने लगा के रख लिया है, बस पहनना बाकी है। तो आप लोग देख सकते हैं चूड़ी पहनी
तो आप तो मैं खा रही हूँ पढ़ के मम्मी कह रही है अपने खाने को बात करना है अभी फुल ब्लॉग देखना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं पर लहंगा का पिन कैसे लगाते हैं ये तो ज़रूरी देखना क्योंकि पिन में ही बहुत सी औरतें हैं क्योंकि पिन में रह जाती हैं पूरा मेकअप तो कर लेती हैं पर पिन लगाना नहीं आता तो वही आज हम सिखाने वाले हैं कि लहंगा में पिन कैसे लगाई जाती खुद से कैसे पहना जाता है और नेल पॉलिश तो वो पहले हम हरी साड़ी पहन रहे थे इसलिए मैच नहीं लगा पाई कोई बात नहीं अपने पहन लिया है हाँ सोने का पहन लिया है तो अब लास्ट बात है लहंगा का बटन कैसे लगा ओके सॉरी लहंगा का पिन कैसे लगाते हैं तो पिन लगाना सिखा रहे हैं ऐसे चीज़ें पहले थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे दो ऐसे करना है बस इस तरह का लगा लेना है पेन हो तो पेन लगा लेना नहीं तो हम तो बिना ही पेन के कर लेंगे इस तरह का ऐसा हो जाएगा और पीछे से फिर सीधा पल्लू में डालना हो तो सीधा पल्लू वाला ऐसा है जो आप डबल डबल चुनरी में डाल सकते हैं एक ऐसा ऐसा लगा के ये चुनरी ऐसी ही रहेगी एक दूसरी चुनरी ओढ़नी पड़ती है तो वो तो हो गया दलहन वाला जो ऐसे ही लगा देते हैं ऐसे और एक और डालेंगे और अब जो हम घर में बताने वाले हैं तो वो तो फिर आसानी तरीका है इसको आप लोग कैसा करना है फोल्ड करते रहोगे ऐसे जैसी साड़ी है साड़ी का तरीका है बस लगाना थोड़ा सा अलग हो जाता है बता रहे हैं उल्टी पल्लू में ज़्यादातर चल रहा है अभी ऐसा नहीं पहना अभी तक के इतनी बार लहंगा पहने हैं पर ऐसा नहीं पहना तो जो ऐसा लुक आने वाला है जो बहुत अच्छा ही लगता है और बहुत लोगों को पसंद भी आया होगा यहाँ के बाद एक यहाँ पर फिर लगाना फिर एक ऐसे में कोई सा पिन लगाना है ऐसे लिए तो एक पिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जिससे लुक अच्छा हो जाता है तो देखो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर किसी ने देखा होगा तो यहाँ पर हमारा पिन लग गया है हमने देखिए थोड़े से अलग हटके लहंगा पहना है जो आप लोग इसमें सिर भी ढक सकते हो तो लहंगा भी अच्छा लगेगा यहाँ पर पिन लगाना है जी पिन लगा लेना है तो पिन की वजह से फिर सही से आ जाएगा हमने जैसे कि यहाँ पर पिन लगा लिया है पिन के बाद अब कोई ऐसी है जैसे बहू सिर भी ढाक रहा है तो आप ऐसे लहंगा में सिर भी ढाक सकते हो देखो हम आप लोग सिर ढाक तो देखो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को हम लोग रेडी पूरी तरह से तैयार हो गए अभी हम कमर बंद लगा के और दिखाएंगे कमर बंद यहाँ पर नहीं लगाई जाती थोड़ी यहाँ पर लगाओ तो अच्छी लगती है देखो देखो हमारी कमर बंद और इसको हम लगाने वाले हैं देखो यहाँ पर कमर बंद लगाई जाती है ना कि यहाँ पर भी नहीं लगाई जाती है और यहाँ पर भी नहीं यहाँ पर भी नहीं
कमर बंद का सही तरीका है यहाँ पर लगा लेना, ठीक है? तो आप लोग देखना है, कोई पूछता नहीं है, बहुत मोटा होता है। कैसा लग रहा है, कैसे लग रहे हैं हम लहंगा में, कैसे लग रहे जी बताओ? तो हमारा लहंगा कहीं से तो नहीं बिखरा बिखरा लग रहा है, एकदम परफेक्टली तरह से बन गया है। तो हम आपको आज बहुत ज़्यादा वीडियो बना के लहंगा को दिखाएंगे, तो अब बनेगी वीडियो, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो देखना हो तो बहुत अच्छी ट्रेंडिंग वीडियो ऐसा है, आप लोग देख सकते पीछे और आगे भी देख सकते हैं। जिसको भी सिर ढकना हो तो सिर ढाक के ऐसे, सिर ढाकने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर ढाक सकते हैं, आपको पल्ला भी निकल आता है, तो आप लोग जैसे सिर ढाकोगे तो दिक्कत नहीं होगी। और वैसे थोड़ी वो वाला दिखा रहे थे आपको, तो ओपन पल्लू वाला, ओपन पल्लू में सिर ढकने में दिक्कत हो जाती है, थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता है। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेकअप से लेके और जो लहंगा पहनने वाला है इसमें सब हमने बता दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। और नए हो, पहली बार चैनल देख रहे हो तो चैनल को पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, प्यारा से कमेंट करना कि लहंगा कैसे ठीक बना कि नहीं, सही अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये आप लोग जरूर करना, वीडियो को शेयर करना। बाय बाय।